हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आते हैं बेटा वही अपने टॉपिक टेंस पर। देखो, प्रेजेंट के हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एक बार फिर दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको ता है, ती है, ते है बताई थी, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन थी रहा है, रही है और रहे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था और साथ में रूल भी लगाया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें हम वर्ब के साथ ऐसे यस का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दूसरा जो अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था उसमें ओनली इज एम आर हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, थी, सॉरी। और अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टेंस, प्रेजेंट के थर्ड टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, बोलना नहीं है, मैंने आपको हर एक टेंस के चार चार सब पार्ट्स बताए थे, इसी तरीके से हम उन सब पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, जैसे उन बाकी के टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन थी, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका है चुकी है चुकी है इत्यादि। ठीक है, एक्सेट्रा जिसको हम बोलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ठीक है, ये सभी वर्ड आपको हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर आपको मिल जाते हैं तो इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे बेटा, हैज और हैव। ठीक है, हैज का यूज हम कहां कहां करेंगे, वही प्रेजेंट टेंस वाली बात है, ही शी इट। और हैव का यूज हम करेंगे यू वी दे और आई। देखो फिर दोबारा से हो गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा पर हम उसको उसमें आई को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और हैव के लिए हम यू वी दे और आई हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा बेटा इसमें, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी, और जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, हर एक टेंस का जो थर्ड पार्ट होगा उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, सिंपल सा है, थर्ड टेंस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये अपना मैटर था, इससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस की। सबसे पहले आपका शुरू होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाँ देखो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। जैसे आप मान लो हम सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट ले लो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज, और फिर उसके बाद डू ले लो, डू करना। ठीक है, डू कोई वर्ब है और डू की थर्ड फॉर्म होती है बेटा डन। ठीक है, डू डिड डन, ही हैज डन, क्या किया है उसने काम, he has done the work। ठीक है, इसी का ही अगर हम नेगेटिव बनाए तो he has not done the work, नेगेटिव में not लग जाता है। जैसे स्ट्रक्चर लिखूं मैं यहाँ पर, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस has have प्लस not प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे मान लो सब्जेक्ट मैंने
आई ले लिया, आई के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है, आई है, और फिर उसके बाद हमें नॉट लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी ले लो, जैसे कि मान लो कुक ले लिया मैंने, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, क्या नहीं बनाया मैंने, क्या नहीं पकाया मैंने, फूड खाना नहीं पकाया, ठीक है। अब हम लेते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि जिनको हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बोलते हैं इंटरोगेटिव, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ये आपको अच्छे से पता है कि जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टेंस में, उनमें हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क साथ लगे, ठीक है। जैसे कि मान लो दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए हैव, और हैव के साथ कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस बनाना है हमें फॉर एग्जाम्पल, तो कोई भी हैव के साथ लगने वाला सब्जेक्ट ही लेना है, सिंगुलर नहीं, हैव के साथ लगने वाला। हैव दे मेक ले लो, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, हैव दे मेड, हैव दे मेड, कुछ भी लगा लो, हैव दे मेड द फर्नीचर, क्या उन्होंने फर्नीचर बना दिया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। ये आपके तीनों टाइप के सेंटेंस है, देखो स्ट्रक्चर है तो आपका सेंटेंस है। स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज को हमें कहाँ लिखना है, क्योंकि जब तक हमें सीक्वेंस नहीं पता चलेगा वर्ड्स का, तब तक हम परफेक्ट सेंटेंस कैसे बना सकते, ठीक है बेटा। इसलिए आपको स्ट्रक्चर्स का पता होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा, ये होने के बाद हम बात करते हैं अपने हिंदी सेंटेंसेस, ठीक है। इतना होने के बाद अपने हिंदी सेंटेंसेस का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं डेली, उनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। देखो जैसे वह गाना गा चुकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लिखते थे, वह गाना गा रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती थी, रा है, रही है, रहे हैं, पर इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है। वह गाना गा चुकी है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वह, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ही शी इट, तीनों ही वह में आते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, शी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद शी के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने स्ट्रक्चर में, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, ठीक है, तो शी के साथ हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है गा, गा का मतलब होता है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग, सिंग सैंग सब, ठीक है। क्या गा रही है, गाना, शी हैज संग अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव हम बनाए, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट यानी कि वी, वी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है, और फिर नहीं है ना इसमें, तो हमें नॉट भी लिखना है। पढ़ना, पढ़ना का मतलब होता है रीड, ठीक है। वैसे तो देखो इसकी थर्ड फॉर्म की जो स्पेलिंग है वो भी आर ई डी होती है, पर हम इसको बोलते अलग है, ये रीड रेड रेड, ठीक है, स्पेलिंग सेम रहेगी बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, रीड रेड रेड, ठीक है। तो वी हैव नॉट रेड द बुक, किताब यानी कि बुक, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाए, क्या वे कहानी, सॉरी यहाँ पर मैंने पढ़ते हैं लिख दिया, देखो बेटे यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने पढ़ते हैं लिख दिया, हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, ये आएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हाँ बेटा याद, देखो क्या वे कहानी लिख चुके हैं, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वे कहानी लिख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, वे का मतलब है दे, ठीक है,
दे सब्जेक्ट यानी कि दे यानी कि प्लूरल, और प्लूरल के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव। दे लिखना का मतलब होता है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। हैव दे रिटन द स्टोरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने नोटबुक में बनाने हैं, रफ नोटबुक में भी आपको ट्राई करना है। ओके बेटा, थैंक यू।